नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 4 अप्रैल सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार के आदेश के बावजूद शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाई जा रही है। पिछले दिनों बाड़मेर जिला कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रधानाचार्यों की ड्यूटी श्रमिकों के भौतिक सत्यापन में लगा दी थी और अब बीकानेर जिला कलेक्टर और अजमेर के मसूदा पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने भी ऐसे ही आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें पीईओ की ड्यूटी निर्माण श्रमिकों के पात्र आवेदनों के भौतिक सत्यापन करने में लगाई गई है। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया है। राजस्थान में 15,500 शिक्षकों की भर्ती से पहले शिक्षा विभाग एक एक अभ्यर्थी के दस्तावेज का बारीकी से सत्यापन कर रहा है। इस बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सामने आए हैं जिनके सर्टिफिकेट और डिग्री पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विभाग सैकड़ों की संख्या में आवेदन रद्द करने की तैयारी में है। इनमें सर्वाधिक आवेदन विशेष शिक्षकों के हैं। उन्होंने जिन संस्थाओं से सर्टिफिकेट लिए उनकी मान्यता पर सवाल खड़े हो गए हैं। रद्द होने वाले आवेदनों की संख्या 200 के पार जा सकती है। राजस्थान कांग्रेस सदस्यता अभियान की धीमी रफ्तार को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई बैठक में पार्टी के अंदरूनी हालात पर नेताओं ने जमकर सवाल उठाए। मीटिंग में सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में एक बार फिर नाम लिए बिना सचिन पायलट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं कि पार्टी के लिए खून पसीना बहाकर सरकार बनाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, उनके यहाँ भी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट कई बार पार्टी के लिए खून पसीना बहाकर सरकार में लाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई करने के बयान दे चुके हैं। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा मामले में सोमवार को चूरू में राजकीय डेड राज भर्तिया अस्पताल में डॉक्टर्स ने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। चूरू मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर्स ओपीडी छोड़कर अस्पताल परिसर के पार्क में आ गए और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एमएम पुकार को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में झील का बाड़ा देवी मां के मंदिर पर मेले में ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल एसपी श्याम सिंह की डांट खाकर बेहोश हो गई। एसपी ने बयाना थाने का निरीक्षण किया था। इन दिनों बयाना थाना इलाके में झील का बाड़ा देवी मां के मंदिर पर मेले में इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगी हुई थी। वह 2 अप्रैल को ड्यूटी से गैर हाजिर रही, जिसके बाद एसपी ने महिला कांस्टेबल ओमवती को ऐसी डांट लगाई कि वह बेहोश होकर गिर गई। जालौर में भी गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने विधि विधान से गणगौर पूजन करते हुए अखंड सौभाग्य और परिवार की मंगल कामना की। गणगौर के त्योहार को लेकर महिलाओं और लड़कियों में गजब का उत्साह देखा गया। शहर की संजय नगर कॉलोनी में श्याम महिला मंडल और माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने भुवनेश्वरी माता मंदिर में 16 दिवसीय गणगौर पूजन का आयोजन किया। महिला मंडल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कला देवी, सीता देवी अग्रवाल, राजेश्वरी अग्रवाल, किरण अग्रवाल, मंजू प्रजापत, रेखा अग्रवाल, सुनीता बंसल, ललिता वैष्णव, संतोष अग्रवाल, सुलोचना शर्मा सहित कई महिलाएं शामिल हुई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर फिजिक्स के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। कुल 224 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। इन सभी के रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए हैं। बारां जिले में सोमवार से दूध से बने प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए हैं। बढ़े हुए दाम सोमवार से लागू हो गए, जिसके बाद दही, पनीर और घी आदि के दाम बढ़ गए हैं। डेयरी व्यापार संघ की बैठक के बाद घी के दाम 60 रुपए, पनीर और दही का दाम 20-20 रुपए किलो बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। डेयरी व्यापार संघ के अध्यक्ष हरि प्रकाश गुर्जर के अनुसार घी के दाम बढ़कर 660 रुपए प्रति किलो, पनीर 320 रुपए और दही 80 रुपए प्रति किलो हो गया है। बूंदी जिला कोर्ट परिसर में कैदियों की बैरक के पास रिकॉर्ड रूम में सांप आने से हड़कंप मच गया। सांप रिकॉर्ड रूम के गेट के पास फंस गया। आसपास के लोगों ने दूर से ही सांप को निकालने की कोशिश की, लेकिन सांप के डसने के डर से कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोगों की सूचना पर सिविल डिफेंस के 2 जवान कोर्ट परिसर पहुंचे और 10 मिनट में ही सांप को रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गर्मी बढ़ते ही अब जंगली जानवरों का दिखना शुरू हो गया है। इसके चलते सुबह शाम होने वाले सफारी में हर रोज कोई ना कोई जानवर टूरिस्ट को दिखाई दे रहा है।
सफारी ड्राइवर पवन वैष्णव ने इवनिंग सफारी के दौरान टूरिस्ट को सेंचुरी के बने लंबे ट्रैक पर भालू की साइटिंग करवाई। यह भालू पहले तो ट्रैक पर खड़ा दिखा, लेकिन जैसे ही जीप आगे बढ़ने लगी तो झाड़ियों की ओर चला गया। भरतपुर में 1 अप्रैल से सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होनी थी, लेकिन सरकारी खरीद केंद्रों पर अभी तक सन्नाटा है, क्योंकि सीजन में भी जींस का बाजार भाव समर्थन मूल्य से ज्यादा है। किसानों को उम्मीद है कि भाव अभी और उठेंगे, इसलिए सीजन टाइम में भी मंडियों में गेहूं, चना, सरसों की हल्की फुल्की ही आवक है। नई मंडी में गेहूं के बमुश्किल 1000 कट्टे और सरसों मंडी में 5 से 6 हजार कट्टे की ही आवक हो रही है। भरतपुर जिले के रोगियों के लिए अच्छी खबर है। आरबीएम अस्पताल में अब और बेहतर इलाज मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी जल्द दूर होने वाली है। वहीं राज्य सरकार ने एमबीबीएस की फाइनल परीक्षा दे चुके स्टूडेंट की इंटर्नशिप के लिए हमारे आरबीएम अस्पताल को भी अधिकृत कर दिया है। इसमें 200 सीटें मंजूर की गई हैं। इन पर देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहां इंटर्नशिप कर सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।